एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित बहुरनपुर टोड़कपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 1200 वोटरों द्वारा राम गुलाम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 410 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 63 हैंडपंप भी लगाए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 120 विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 7 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाली, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान राम गुलाम, ग्राम पंचायत बहोरनपुर टोडकपुर, विकास खंड बिलारी, आंशिक, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। मैंने अपने गाँव में सीसी टाइल्स व नाली कराई है और खरंजे का निर्माण कराया है और रोशनी के लिए सोलर लाइट भी लगवाई है। मेरे गांव में ना कोई बारात घर है, ना कोई अस्पताल है, ना पंचायत घर है, जिससे हमें को मीटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। गांव का पानी का निकास ठीक नहीं है, जो का धनराशि मिलनी चाहिए तो मैं पानी का पक्का नाला बनाकर दूरी पर तालाब है वहाँ तक पहुँचाया जाए और 50 से 40 लगभग लाभार्थी ऐसे छूटे हुए हैं आवासहीन, जिन्हें सूची में डलवाया जाए, जिन्हें आवास मिल सके और वो अपने मकान में रह सकें। जैसा कि और कई समस्याएं हैं, छोटी पंचायत है, कम पैसा आता है, गांव में तमाम नाली खड़ंजा भरने को पड़े हैं, पानी भरा हुआ है। जब धनराशि अधिक से अधिक आएगी तो मैं संपूर्ण काम कराऊंगा। जो मेरे पास अब तक धनराशि आई थी पूरा पैसा लगा चुका हूं। नल भी रिबोर कराए हैं, मरम्मत तो होती रहती है और मिट्टी भराव कराया है स्कूल प्रांगण में और तमाम तरह के छोटे मोटे काम कराए हैं। जो धनराशि आई है आज तक सब लगा चुका हूं मैं। इसी मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अधिक से अधिक मुझे धनराशि दी जाए, जो मैं अपने गाँव का संपूर्ण विकास करा सकूं। अभी तक हमारे यहाँ कोई शौचालय की धनराशि नहीं आई है। हम लोग 28 गांव वाले सबसे पीछे शौचालय में चल रहे हैं, जो कि गांव की जनता बार बार हमसे कहती है कि शौचालय बनवाओ प्रधान जी, शौचालय बनवाओ, और शौचालय की कोई धनराशि अभी तक हमारे खाते में नहीं आई जिससे हम शौचालय बनवा सकें। दो जिलों के बीच में हमारी पंचायत है, इसलिए हमारा विकास पिछड़ता जा रहा है। अगर हो सके तो या हमारा चंदूसी में करा जाए या मुरादाबाद में करा जाए, हम जब एक तरफ पहुंच जाएंगे तो हमारा भी विकास हमारे गांव का या हमारे 28 ग्राम पंचायतों का हो सकेगा।